हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक जॉकी पे। मैं आपका दोस्त उधर फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट के वेब पेज को बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर या बिना किसी एप्लीकेशन की मदद के। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक लगानी है और वो वेब पेज आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको ओपन करना है अपना इंटरनेट ब्राउज़र। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर यह है कि आपको सिर्फ गूगल क्रोम ही ओपन करना है, क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक गूगल क्रोम में ही अप्लाई की जा सकती है, यूसी ब्राउज़र में नहीं। तो चलिए हम कोई भी वेब पेज खोल लेते हैं जिसे हमें सेव करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ सर्च करा लेता हूँ, कोई आर्टिकल, और मान लीजिए चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आप जो भी वेब पेज सेव करना चाहते हैं दोस्तों, आपको वो ओपन करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर एक आर्टिकल है जिसका मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो चलिए, एक आर्टिकल है जिसे मैं सेव करना चाहता हूँ। अब दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि काफ़ी सारे लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि इस काम को आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल इसे स्क्रीनशॉट के थ्रू अपनी मोबाइल गैलरी में सेव कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इस वेब पेज का जितना हिस्सा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उसको ही एक बार में स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। यानी कि आपको इस वेब पेज के काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट क्लिक करने होंगे। लेकिन दोस्तों, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ये कंप्लीट वेब पेज एक ही फाइल में आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा और आप उसे जब चाहें पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। अब दोस्तों, जब आप उस वेब पेज पर पहुँच जाएँ जिसे आप सेव करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं। इन पर क्लिक कीजिए और आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। अब यहाँ पर बीच में आपको एक शेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इस शेयर पे क्लिक कीजिए और दोस्तों आपके सामने फिर काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों एक प्रिंटर का आइकन या साइन बना हुआ दिखाई देगा, तो आपको इस प्रिंट पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, वो वेब पेज हमारा पूरा PDF में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा पेज एक ही फाइल में मेरे सामने कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे हमें करना है सिर्फ सेव। तो यहाँ पर उसके लिए आपको एक PDF का साइन बना हुआ दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपसे लोकेशन पूछेगा, आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डाउनलोड वाले फोल्डर में ही सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इसका नाम देना है हमें, तो नाम दे देते हैं चलिए ATHAR अथर। और यहाँ पर एक सेव का साइन है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों, वो पेज मेरे मोबाइल की गैलरी में सेव हो चुका है। तो चलिए उसे चल के देख लेते हैं। मैं जाता हूँ फाइल मैनेजर में और यहाँ पर डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर है, इसमें जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अथर के नाम से एक PDF फाइल सेव हुई है और आप इसकी डेट भी देख सकते हैं जो कि आज की है। तो चलिए हम इसे ओपन करके देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, वो पूरा वेब पेज मेरे सामने शो होने लगा है। आप इसको जूम करके बहुत ही आसानी से जब चाहें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही आसान सा तरीका जिसके थ्रू आप कोई भी वेब पेज अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन की मदद के। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए यूज़फुल भी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। उसके अलावा दोस्तों, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल टेक जॉकी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं आपके कमेंट पर जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।